गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज सारा टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की इदा की ब्रैकेट होंगी है ए बी सी स्केयर ब्रैकेट। यदा मतलब होंगे ए डोट बी करोस सी, मतलब ए वैक्टर का डोट प्रोडक्ट बी ते सी का करोस। यदा मतलब होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सैकेंड रिमार्क है थ्री वैक्टरस आर कोपलेनर। ये कोपलेनरिटी का भी रिजल्ट लगते हैं ना, थ्री वैक्टरस आर कोपलेनर। थ्री वैक्टर कड़े कड़े हो गए ए बी सी वैक्टर, कहिंदा कोपलेनर कदों हो गए, थ्री वैक्टर कोपलेनर कदों हो गए, जो उन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा जीरो। आदा मतलब होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। कि कटना मैं कटना सिखा, कहिंदा जो कि चार पॉइंट दते हो कोपलेनर, चार पॉइंट कोपलेनर दते हो ए बी सी डी, तो उस फार्मूला है ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। ए बी वैक्टर तुम पता है कि कटी का बी विचो ए वाला करी माइनस, ए सी वैक्टर कटी का सी विचो ए वाला माइनस, ए डी वैक्टर कटी का डी विचो ए वाला माइनस। ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। चौथा है वॉल्यूम ऑफ पैरलोपिपड। पैरलोपिपड मतलब जिदा पैरलोग्राम थ्री डिमेंशन च लै जाइए, एनसीईआरटी तो नहीं है क्वेश्चन है, प्राइम च है ए बी सी। ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कटी का ए बी सी, ए फार्मूला का वॉल्यूम ऑफ पैरलो पेपर का। हुण देखो जरा ये जिहड़ी तुहाडी एक्सरसाइज हैगी है ना, ये तुहाडी एनसीईआरटी के लास्ट पेज ते गई है। जदों तुसीं एनसीईआरटी की बुक बंद करोगे लास्ट पेज खोलोगे ना, लास्ट पेज उत्ते गई है एक्सरसाइज, उत्ते गई है एक्सरसाइज। मैं एग्जाम्पल 26 करा लगा, देखो यार एग्जाम्पल 26। फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी इफ ए वैक्टर इज इक्वल टू, इफ ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k, बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस के, सी वैक्टर इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k। फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, एदा मतलब होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एदा मतलब होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए बी सी, एदा मतलब यही होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हूँ तुम नजर आएगा बी ते सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीए तो ए का डोट कर लीए, पर यह ऐदा नहीं करना। देखो जरा पहला ए बी सी क्या ना सील ऑर्डर च, आप सब तो पहला पाना डिटरमीनेंट, कढ़ने का तरीका देखो डिटरमीनेंट पाना। जे पहला ए वैक्टर लिखा ए वैक्टर के कोफिशियंट लिखो 2 1 3, बाद च कहला वैक्टर लिखा बी वैक्टर, बी वैक्टर के कोफिशियंट लिखो -1 2 1, बाद च लिखा सी वैक्टर ए कोफिशियंट लिखो 3 1 2, एदा आप कटना डिटरमीनेंट, एदा आप कटना डिटरमीनेंट, यानी कि 2 नू बाहर रखा ब्रैकट, इनू इना मल्टीप्लाई माइनस इनू इना मल्टीप्लाई, सैकेंड का साइन चेंज करी दा। आप वैक्टर का कुछ नहीं करना, सीधे वैक्टर के कोफिशियंट लिखने, डिटरमीनेंट कटना, यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होंगे। -1 2 ना मल्टीप्लाई करा, -2 विचकार माइनस, 3 1 करा 3, इधर 3 बाहर रखा -1 -6, इधर आ जाएगा 3 2 6, -5 नू -1 ना मल्टीप्लाई करा +5 -21, जो इन आप सोल्व करा अपने को आएगा -10, जो सोल्व करा अपने को आएगा -10। एग्जाम्पल 27 है शो डैट दी वैक्टर ए बी सी, तीन वैक्टर दिते हुए आर कोपलेनर। जे कोपलेनर वर्ड लगा ना, कोपलेनर का मतलब होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। कोपलेनर का मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, यानी कि आप ए बी सी ए जीरो प्रूव करना, तिने वैक्टर का कोफिशियंट लिखने है, तिने वैक्टर के कोफिशियंट लिखने है, यानी कि पहले वैक्टर का कोफिशियंट की है वेखो, ए वैक्टर का है 1 -2 3, दूजे का है -2 3 -4, 1 -3 5, इनू ए डिटरमीनेंट कढ़ना है, जीरो के बराबर प्रूव करना है।
ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ 28, ਫਾਇੰਡ ਲੈਮਡਾ ਇਫ ਦੀ ਵੈਕਟਰਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਕੋਪਲੇਨਰ। ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਫਾਇੰਡ 1 ਲਿਖਿਆ ਲੈਮਡਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਪਲੇਨਰ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ, 1 3 1, 2 -1 -1 ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ 7 3, ਇਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। 1 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, -3 ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ, 7 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ +7 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, -1 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ, -3, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 6। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ। ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, -λ, +λ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 14 +λ ਆ ਜਾਏਗਾ, 14 +λ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, -18 -3 ਲੈਮਡਾ। ਇਹ 'ਚ ਲੈਮਡਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏਗਾ, -3 ਲੈਮਡਾ, -2 ਲੈਮਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ -2 ਲੈਮਡਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਏ +2 ਲੈਮਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨੇ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। 29th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਡੈਟ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਵਿਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਰ ਕੋਪਲੇਨਰ, 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਆਰ ਕੋਪਲੇਨਰ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਏ ਸੀ ਵੈਕਟਰ, ਏ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ 0। ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਵਾਲਾ ਕਰੀਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਦਾ, ਆਹ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਬਣਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਏ ਵਾਲਾ, ਏ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 4 ਆਈ +5j +1k, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ, ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ -5i-, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 0 ਆਈ ਕੈਪ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਆਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 0 ਆਈ ਕੈਪ 'ਚੋਂ 4 ਆਈ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, -4 ਆਈ ਕੈਪ ਹੀ ਆਏਗਾ, -j -5j -6j ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -k -2k ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਬੀ ਏ ਸੀ ਏ ਡੀ ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0। ਏ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ, ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਸੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਆਹ ਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, 3i +9j +4k -a, 4i +5j +k ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, -i ਕੈਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, +4j ਕੈਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, +3k ਕੈਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਏ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਏ ਡੀ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, -4i ਕੈਪ ਬਣਨਾ, ਬਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ 4i ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰੈਕਟ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਆ, -4i ਕੈਪ +4j ਕੈਪ +4k ਕੈਪ,
विचो ए वाला माइनस करना है 4i प्लस 5j प्लस के। जो माइनस करांगे एडी वैक्टर की बन जाना अपने को माइनस 4i माइनस 4i माइनस 8i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। यह तीन वैक्टर आ गए, चार पॉइंट तो तीन वैक्टर बनाने ए बी ए सी ए डी। हुण इन्हां नूं कोप्लेन प्रूव करना है, यानी कि ए बी ए सी ए डी इहदा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो प्रूव करना आपां। फोर पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर, कोलीनियर नहीं हैगा कोप्लेनर हैगा। फोर पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होना जीरो, यानी कि ए बी वैक्टर के कोफिशियंट लिखांगे माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2। सैकेंड लिखांगे माइनस 1 4 3। थर्ड दे लिखांगे माइनस 8 माइनस 1 3। एदा डिटरमिनेंट कट लो, माइनस 4 नू बाहर रखांगे, जो मल्टीप्लाई करांगे 12 माइनस माइनस 3 प्लस 3 आना प्लस 6 माइनस 3 प्लस 24। माइनस 2 बाहर रखांगे 1 प्लस 32 आ जाएगा। जो इन सोल्व करांगे आपां, सोल्व करांगे इत्थे आ जाएगा 15, 15 नू माइनस 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे माइनस 60, इत्थे 21 आ जाएगा। 21 नू 6 नाल करांगे 126, ते 33 नू माइनस 2 नाल करांगे, जो सोल्व करांगे जीरो बन जाना है। जो डिटरमिनेंट जीरो आ गया, देयर फोर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। अज लई तुहाडा इन्ना ही है, तुहाडा होमवर्क है 10.5 एक्सरसाइज खोलनी तुसीं, लास्ट पेज एनसीईआरटी, लास्ट पेज एनसीईआरटी सप्लीमेंटरी मटीरियल च हैगी है। फस्ट सम, सैकेंड सम, थर्ड सम, फिफ्थ सम, सिक्स सम, आ फाइव सम करने तुसीं बस। जे कोई डाउट होएगा तो पूछ लियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।